नमस्कार। आज बात करेंगे क्षेत्रीय लोक नृत्य में ढोल नृत्य को लेकर के। तो ये ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जो कि एक क्षेत्रीय लोक नृत्य भी है। और ये जो ढोल नृत्य है, ये जालौर का ढोल नृत्य है। कहाँ का? जालौर का ढोल नृत्य। ये काफ़ी प्रसिद्ध भी होगा और इसमें कहीं ना कहीं जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी इसमें नाम होगा, उनका भी इसमें योगदान होगा। तो अपने आप ये जो ढोल नृत्य है जालौर का विशेष बन जाता है, प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है। तो इसको लेकर के बात कर लेते हैं कि ये जो जालौर का ढोल नृत्य है तो ये कहाँ किया जाता है। जालौर का तो है ही है, लेकिन किस संप्रदाय से ये संबंधित है, कौन करते हैं और कब करते हैं, और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी जो जातियां हैं जो पारंगत होती हैं या वो ये ढोल नृत्य मुख्य रूप से करती हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं। तो भीनमाल, कहाँ? भीनमाल जालौर के जो सांचलिया संप्रदाय में, किसमें? सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर। कब? विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। ये ध्यान रखिएगा, कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन से संप्रदाय में विवाह होता है तब किया जाता है? तो भीलमाल के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? ढोल नृत्य। अब ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला है। अब पुरुष ये नृत्य करते हैं, बहुत ही कलात्मक भी होता है और चमत्कारिक भी बताया जाता है। और इसमें कलात्मक और चमत्कारिक तरीके से या रूप से ढोल बजाकर व तलवार मुंह में रखकर के किया जाने वाला नृत्य है ये। तो ध्यान रखिएगा कि ये इसमें क्या है कि जब ये जो पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है तो ये कलात्मक भी है और एक चमत्कारिक रूप से ढोल बजा करके मुंह में तलवार रख करके किया जाने वाला नृत्य है। अब यह नृत्य मुख्य रूप से चार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अब वो जातियां कौन कौन सी हैं? एक है माली, दूसरी है ढोली, तीसरी है सरगड़ा और एक है भील। तो इस प्रकार से ये जो ढोल नृत्य है ये चार जातियों के द्वारा या चार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब ये जो नृत्य है इसको आगे कौन लेके आया? सबसे बड़ी विशेष बात यही है, इसको आगे कौन लेके आया, इसको पहचान किसने दिलाई, यहां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, बहुत विशेष है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी यहां से कि इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। तो इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय यानी सब लोगों के सामने लाने का जो श्रेय है, आगे लाने का जो श्रेय है, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को है। किसको? भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को है। और एक इसी के साथ में यह एक पेशेवर नृत्य भी है, या यह एक पेशेवर नृत्य भी कहा जा सकता है, जबकि ये एक क्षेत्रीय लोक नृत्य के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे एक पेशेवर नृत्य भी कहा जा सकता है। तो देखिए, जो जालौर का जो ढोल नृत्य है उससे संबंधित जो विशेषताएं थी, मुख्य जो बातें थी, मुख्य जो विशेषताएं थी, उस पर हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आपको वीडियो कैसे लगते हैं तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। नमस्कार।